जी दोस्तों, हेलो नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। फ्री डिश डीटीएस सिस्टम चैनल पर मैं आपको वेलकम करता हूँ, स्वागत करता हूँ दोस्तों। एक और अपडेट के साथ मैं आपके सामने उपस्थित हूँ दोस्तों। आज मैं आपको एक फ्रेश अपडेट के साथ मैं आपको बताने वाला हूँ दोस्तों। आज हम करेंगे डिश ट्रैकिंग अपडेट। जिस सेटेलाइट को हम आज ट्रैक करेंगे दोस्तों, उसका सेटेलाइट का नाम है कोरिया सेट 5A। ठीक है, सेटेलाइट का नाम है कोरिया सेट 5A, तो जिसकी डिग्री है 113 डिग्री ईस्ट। तो हम आज 113 ईस्ट सेटेलाइट की डिग्री की इंफॉर्मेशन देने वाले हैं। उसकी डिश सेटअप कैसे की जाती है, उसकी सारी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको देने वाले हैं दोस्तों इस वीडियो में। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो में दोस्तों। तो और आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो की शुरुआत से पहले, स्टार्टिंग से पहले आपसे वही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों। तो ये दोस्तों एकमात्र चैनल, वन एंड ओनली चैनल यूट्यूब इन हिस्ट्री, क्योंकि इसमें दोस्तों आपको डेली चैनल लिस्ट दी जाती है, डेली डिश ट्रैकिंग अपडेट दी जाती है, ताकि आपको पता लगता रहे कि हर सेटेलाइट में कौन से चैनल गए हैं, कौन से आए हैं। ठीक है, नए नए चैनल कौन से ऐड हुए हैं डीडी बटिश पर या कोई अदर सेटेलाइट पर, सभी सेटेलाइट की इन्फॉर्मेशन, ये चैनल लिस्ट और डिस्ट्रैकिंग अपडेट के साथ अदर सेटेलाइट की इन्फॉर्मेशन दी जाती है दोस्तों। तो इसलिए अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। शेयर से दोस्तों एक दूसरे की मदद होती है कि सही टीवी आप अपने दोस्तों तक पहुँचा रहे होते हो, जैसे मैं आप तक पहुँचाता हूँ सही टीवी से कैसे डिश की सेटिंग की जाती है। तो मैंने लाइव स्ट्रीमिंग किया था आज ही, तो उसमें मेरे एक मित्र ने मुझे पूछा था भाई 113 डिग्री का सेटअप दे, उसकी इन्फॉर्मेशन दे। तो आज मैंने वो सेटअप कर लिया है, तो सिग्नल इतना ज़्यादा नहीं मिला, लेकिन जितना भी मिला काफ़ी है। तो जितना भी मुझे मिला दोस्तों, मैंने उसमें स्कैन करके देखा तो मुझे चैनल कम मिले हैं, तो तभी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ डिश ट्रैकिंग की। तो आज मैं आपको डिश ट्रैकिंग में 113 डिग्री कोरिया सेट 5A की जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए डिश के पास चलते हैं। तो ये हमारा तो डीडी पर डिश पे लगा हुआ है, ठीक है, हम इस पर आपको सारी सेटअप कंप्लीट दिखाने वाले हैं। चलो थोड़ा सा नज़दीक चलते हैं, तो आपको अपडेट देने वाला है। लेकिन दोस्तों ये देखिए, अभी काफ़ी धूप भी निकली हुई है और डिश का जो फेस है बिल्कुल थोड़ा सा ना सीधा से थोड़ा सा उठा हुआ है, ये आप देख रहे हो, ये देखिए। तो ये डिश लगभग सीधी मानकर चलिए, सीधी करके ना थोड़ा सा उसका मुंह जो फेस है ना उसको थोड़ा उठा देना, ठीक है, हल्का सा, तभी मिलेगा ये। जैसे हम हमारा 93 डिग्री है डिश का, तो ये 113 में पहले 108 डिग्री को ट्रैक कर लेना। हमारा एयरटेल है जो इंडियन सेटेलाइट है, 108 को ट्रैक करने के बाद 113 आराम से ट्रैक हो जाएगा। और मैं जो टीपी बताऊंगा उस टीपी से ही ट्रैक करना है, तो उस टीपी से अगर ट्रैक करोगे आपको हल्का हल्का सिग्नल मिलना शुरू हो जाएगा। जब हल्का हल्का सिग्नल अच्छी तरह से मिलना शुरू हो जाए ना, डिप भी करे कोई बात नहीं है, ठीक है, तो भी उसको वहीं पर सेट कर लेना और नीचे जाके स्कैन करना। तो दोस्तों आपको कुछ टीपी और भी रिसीव होंगी, उनको भी नोट कर लेना, ठीक है। जिसका ज़्यादा सिग्नल होगा उस टीपी को भी नोट करके अपनी कॉपी में रख लेना, ताकि अगर फ्यूचर में आप इस सेटेलाइट को ट्रैक कर पाए तो आराम से वो ट्रैक हो जाए 113 डिग्री, ठीक है। स्कैनिंग में आपको नई टीपी की अपडेट पता लगती है, तो उससे वो हमको पता लग गया था कि ये टीपी वर्किंग में है, तो टीपी भी नोट करनी बहुत ज़रूरी है। तो चलिए मैं आपको पहले तो ये कंप्लीट आपको सेटअप पूरा दिखा दिया है, अब चलती है बारी आती है हमारी LNBSQ की। तो ये बिल्कुल डीडी फ्री डिश जितना मैंने रखा हुआ है इसको, ठीक है। तो ये मैंने रखा है 205, ठीक है, 5 डिग्री तक इसको मैंने इसका स्क्यू एंगल घुमाया है, जैसे हमारा डीडी फ्री डिश का होता है। तो टीपी भी आपको बता दूंगा, टीपी ये वाली टीपी है, सिग्नल तो इतना नहीं मिल रहा लेकिन बहुत काम का सिग्नल है, ये आप देख रहे हो 125:17 हॉरिजेंटल 13:49 मतलब 1350, ठीक है। इस टीपी से इस सेटेलाइट को आराम से ट्रैक करेंगे, इतना होने के बाद आप नीचे स्कैन जब करोगे आपको चैनल और भी आएंगे, तो स्कैनिंग के पर दोस्तों इतना सिग्नल मिल रहा है, इतने सिग्नल आप डिश पर सेट कर लेते हो फिर आपको ऑटो स्कैन करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ऑटो स्कैन में आपको नई टीपी के साथ नए कुछ चैनल मिलेंगे, तो वो आप ट्रैक कर सकते हो। अगली वीडियो में मैं आपको इसकी चैनल लिस्ट भी दे दूंगा, ठीक है। तो अगली वीडियो में इसकी चैनल लिस्ट, फिलहाल मैं आपको डिश ट्रैकिंग अपडेट दे रहा हूँ। तो ये टीपी है 125:17 हॉरिजॉन्टल 1350, 113 डिग्री, आपके सामने ये देखिए 113 डिग्री लिखा हुआ है। तो आपको ये छोटा सा प्रयास मेरा कैसा लगा है, ठीक है, जिसमें मैंने आपको 113 डिग्री क्यूब एंड 2 फीट डिश की जानकारी दी है। तो ये दोस्तों जानकारी अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को भी लाइक करें दोस्तों। तो एक सही जानकारी अपने दोस्तों तक पहुँचाएँ, तो वीडियो को खूब ज़्यादा शेयर करिए। तो अगली वीडियो में हम आपसे मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, धन्यवाद।